तो दोस्तों यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक स्पीकर हमारे पास आया हुआ है, इसके हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से इसका पर्दा डलता है, स्पाइडर क्या होता है, इसमें क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आज हमारे को उस्ताद बताएंगे, तो ये हमारे टीवी के उस्ताद हैं जो कि हमारे शॉप के साथ ही होते हैं, तो इनसे मैं कुछ थोड़ा बहुत सीखता रहता हूँ जब भी फारिग होते हैं तो दुकान में। तो आज ये हमें बताएंगे कि हमारे स्पीकर को किस तरीके से तैयार किया जाता है, किस तरीके से इसमें पर्दा डलता है। तो आज हम लोग इनसे पूछेंगे कि कॉइल क्या होता है, किस तरीके से कॉइल इसके अंदर बिठाया जाता है। तो वीडियो को आखिर तक देखना। ये स्पीकर है भैया 8 इंच का, 8 इंच का ये स्पीकर है, 8 इंच है, इसको कहते हैं स्पाइडर। तो ये हमारे पास इसमें जो दिया हुआ है ये हमारे पास स्पाइडर है, तो मैं कैमरे को थोड़ा नीचे फोकस कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये जो हमारे पास दिया हुआ है ये हमारे पास स्पाइडर है, ये इसकी कॉइल है। तो ये जो हमारे पास है ये कॉइल है, इसको किस तरीके से बिठाया जाता है, तो ये आज हमें उस्ताद बताएंगे। वो उसका पर्दा है, और ये इसका पर्दा है। तीन चीज़ें होती है, ये तीन चीज़ें इसकी मेन चीज़ें होती है, पर्दा, कॉइल और स्पाइडर। और मैग्नेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा, इसका साउंड ही नहीं आएगा। क्या चीज़ नहीं, साउंड नहीं आएगा। तो इनसे हम लोग ये सीख भी लेंगे और आप लोग भी सीखोगे किस तरीके से इसको तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम कॉइल बिठाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कॉइल को बिठा रहे हैं। किस तरीके से कॉइल को बिठाते हैं, तो मैं अपने कैमरे को कर लेता हूँ करीब थोड़ा। दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग कॉइल इसके अंदर बिछा रहे हैं, किस तरीके से इसके अंदर कॉइल बिछाई जाती है। तो ये भी निशान लगाया है इन्होंने मैग्नेट के अंदर से, जितने कॉइल जो टर्न होते हैं ना, तो ये टर्न के हिसाब से कितने टर्न होते हैं इस पे, जितनी भी है इसके नीचे से निशान लगाना है वो मैग्नेट। तो ये आपको बता रहे हैं कि जितनी भी इसके अंदर हमने कॉइल को बिठाना है उतना हम लोग निशान लगा लेंगे कि कॉइल के अंदर हमने कितना बिछाना है। तो पहले उस्ताद ने क्या किया, इसको अंदर डाला है, उस हिसाब से उस्ताद ने देखा कि कितना इसको अंदर रखना है, उस हिसाब से इसको निशान लगा दिया गया। 2-3 टर्न ऊपर रखने हैं, 2-3 टर्न ऊपर ही रखने हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर निशान डाल दिया गया, निशान के हिसाब से इसको बिठा दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। तो अब इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको समक बोन लगाएंगे, समक बोन से पक्का कर देंगे। अभी इसको बंद कर फिर बाद में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसकी सेटिंग कर ली है अपनी ट्यूजर की मदद से, जितना इसको बिठाना था हमने इसको बिठा लिया है। तो हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये हमारी जो कॉइल की जो दोनों कॉइल हैं, जो हमारे पास सिरे हमारे पास आए हैं, इनको हमने इन साइड पे रखना है ताकि हमारे को कनेक्शन करने में मसला ना हो। तो ये हमारे यहाँ तक कॉइल हमारी बैठ गई है, आपने देखा किस तरीके से बैठा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपने सिलिकॉन की मदद से, तो ये हमारी क्रीम है जो कि इसको टाइट कर लेगी, चिपका देगी, पक्का हो जाएगा। क्योंकि जब साउंड आ रहा था तो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो कॉइल निकलने का भी डर होता है। तो यहाँ पे हमने इसको समक बोन की मदद से ये लगा ऐसे लगा दिया। तो हम लोग सीख भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो हल्के हल्के से आपने क्या करना है, इनको यहाँ पे समक बोन लगा देनी है अच्छे से, ताकि इसकी पकड़ बन जाए अच्छे से। तो ये हमारे यहाँ पे लग गई, समझ बंद होगी कंप्लीट। तो ये आप देख सकते हैं, इसको हमने अच्छे से रख दिया। अब इसके सूखने के बाद कौन लगे, अभी इसके उस्ताद पे ये कहना है कि अभी ये जब सूख जाएगी, सूखने के बाद इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कौन बिठाएंगे, कौन को किस तरीके से बिठाते हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग और समझ बंद लगा लेते हैं, ताकि ये प्रेशर से बाहर ना आए। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा ये जो है कॉइल, जो ये कॉइल और स्पाइडर है, इसके बीच में कॉइल थोड़ी देर तक मैंने इसको सूखने के लिए रखा हम लोग ने, तो ये सूख गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी थोड़ा हमने सफाई करनी थी, ये भी कर ली है। तो आपको मैं बता चलता हूँ, यहाँ पे हमने जो पुरानी हमारी जो समक बोन वगैरह लगी थी, जो क्रीम लगी थी, उसको हमने अच्छे से इसको साफ़ कर लेना है। तो ये साफ़ हो चुकी है हमारी। तो उसके बाद हमने क्या किया, ये पट्टियाँ हम लोगों ने काटी हुई है, तो ये भी उस्ताद आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसके अंदर हमने बिठाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि कॉइल और जो हमारी कॉइल और मैग्नेट है उसके दरमियान में जो गैप है, उसके बीच में हम लोगों ने पट्टियाँ रख देनी है, ताकि कॉइल और मैग्नेट को बीच में गैप रहे थोड़ा। तो उससे क्या होता है, उससे हमारा जो साउंड होता है वो थोड़ा बेहतर रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है बल्कि। तो यहाँ पे ये हमारा अभी पेपर बैठना शुरू हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें पेपर बिठाए जा रहे हैं।
ये दोस्तों यहाँ पे हमारे पेपर जो है कॉयल के इर्द गिर्द हमने बिठा दिया ताकि कॉयल और इसमें हमारे जो है मैग्नेट इसके बीच में गैप रहे, तो ये हमारा हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने उस्ताद का नाम बता चलता हूँ, इनका नाम है शब्बीर उस्ताद, तो बेहतरीन टीवी के कारीगर हैं ये। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने इसका पर्दा बिठा दिया, आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें पर्दा बिठा रहे हैं, तो ये हमारा पर्दा बैठ गया। तो अब इसके इर्द गिर्द भी हम लोग क्या करेंगे, समद गोल लगा देंगे और जो है उसकी सेटिंग अभी उस्ताद ही बताएंगे किस तरीके से करेंगे। ये पहले कॉल बैठा दिए, अब ये हमने समन बाउंड लगाना है बाहर, वायर लगाना है किनारे पे, ताकि ये हमारा जो पर्दा है वो इस साइड पे ये पकड़ अपनी कर ले इस पे। तो ये हमारी समन बाउंड यहाँ पे लग गई किनारों पे, पर्दे के जो पर्दे हैं उसकी साइड पे भी हम लोग समन बाउंड लगा देंगे ताकि दोनों साइड पे लगे। कुछ देर के बाद जब ये सूख जाए उसके बाद हम लोग उसको छिपका देंगे, इतनी देर में ये सूख जाएगा। तो बहुत ही आसान है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है बनते हुए, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से बनता है, तो वो मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये हमारे बैठ गए, तब हम अपने पर्दे को बिठा देंगे सही से, अच्छे से इसको बिठाएंगे ताकि ये दोबारा लूजिंग ना आए। लूजिंग आने की वजह से हमारा जो साउंड होता है वो बेकार हो जाता है, फटा हुआ साउंड आता है। सही कह रहे हो सर, हवा क्रॉस नहीं करे, यानी कि हवा का कहना है कि हवा इसमें क्रॉस ना करे, जब ये स्पीकर बज रहा होता है तो हवा इससे आर पार ना जाए। ये बिठाने का तरीका, ये बिठाने का तरीका है, देख ले। ये दो तारें लगानी हमारे जम्पर वाले। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा स्पीकर का जो पर्दा है वो कंप्लीट हो गया, आप ये देख सकते हैं। अब हमारी क्या रहेगी, दो तारें रह गई हैं, इनको किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, किधर से हम लोगों ने इसको निकालना है वो अभी आपको साथ दिखाएंगे, किस तरीके से इसको निकाला जाता है और किस तरीके से इसका फाइनली कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये फाइनल हो गया, सूख गया। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके सुराख जिस तरीके से दोस्तों अभी हम लोग इसके सुराख करने वाले हैं, किस तरीके से सुराख करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये जम्पर वायर का इस्तेमाल करेंगे जो कि स्पीकर में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये भी दिखाएंगे किस तरीके से सुराख होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जिधर वायर है उसी जगह पर हम लोगों ने क्या करना, सुराख करना छोटा सा। तो ये हो गया हमारा एक सुराख, थोड़ा बहुत ये सूखा नहीं है, तैयार करने के बाद इसको हम लोग सूखने के लिए रख देंगे। ये जम्पर वायर, ये हमारा एक जम्पर वायर इसमें कनेक्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग ट्यूजर की मदद से खींच लेंगे बाहर। तो ये हमारा एक आ गया, तो ये दूसरा हमारा जम्पर वायर इसमें डल गया। तो इनको हम लोग कर देंगे बाहर की तरफ सोल्ड कर देंगे, इसको यहाँ पे हम लोग लगा के और यहाँ पे लगा के सोल्ड कर देंगे, और इसके ऊपर हम लोग लगा देंगे समद गोल, और इस साइड पे भी हम लोग, ये आप होल देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जम्पर वायर दोनों को बाहर निकाल के उसको सोल्ड कर देंगे, यहाँ पे हमारा ये स्पीकर हो जाएगा ओके। और करने के बाद आपको उसका साउंड चेक कराएंगे कि इसका साउंड किस तरीके का है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये स्पीकर तैयार हो गया है, तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारा जो पर्दा है इसमें जो स्पैडर जो कॉयल है वो हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बिठा ली। तो आप ये चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हमने एक पर्दा दे दिया ताकि इसमें जो कॉयल है वो हमारी नज़र ना आए। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि जब भी हमने कॉयल बिठाना है तो ज़्यादा नीचे नहीं बिठाना, तो उसको सेंटर में रखना। तो आप ये देख रहे हैं इसमें लचक है थोड़ी बहुत, तो इस तरीके की इसमें लचक होना लाजमी है। अगर लचक नहीं होगी तो अगर हमने इस कॉयल को बिल्कुल डीप में बिठा दिया तो उससे क्या होगा, हमारा साउंड नहीं आएगा, यानी कि साउंड हमारा ख़राब हो जाएगा, बेस नहीं बजेगी। तो ये जो है थोड़ी बहुत लचक होना चाहिए ताकि बेस अच्छे से बजे। तो इस पर हम लोग साउंड ऑपरेट करते हैं, साउंड ऑपरेट करके आपको दिखाते हैं किस तरीके का इसमें साउंड बजता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, यूट्यूब की पॉलिसी है कि आप किसी भी सॉन्ग को अपने चैनल पर ज़्यादा देर ऑपरेट नहीं कर सकते, तो कॉपीराइट आने का भी खतरा होता है। तो यहाँ पर मैं अभी क्या करता हूँ, अपने यहाँ पर स्पीकरों की दोनों तारों को अपने इस MP3 के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, जिसमें हमारे पास 40-44 का सर्किट कनेक्ट हुआ है। तो हमने यहाँ पर अपने स्पीकरों की सेटिंग कर ली, कनेक्शन कंप्लीट कर लिए। तो आप क्या, हमने इसको ऑपरेट करने वाले हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये हमने इसको साउंड इसका ऑन कर दिया।